नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 20 साल की युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हाईवे इलाके में रहने वाली युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की सूचना पुलिस को दी। पीड़ित युवती के पिता का कहना है कि उनकी लड़की दूध लेने गई थी, इस दौरान कुछ युवक उसे गाड़ी में ले गए और गलत कार्य किया। पिता का आरोप है कि थाने का एक दरोगा और एक सिपाही नामजद आरोपियों से मिले हुए हैं। युवती के साथ हुई गैंग रेप की घटना की जानकारी पुलिस के आला अधिकारी को मिलते ही आनन फानन में छानबीन शुरू कर दी गई। थाना हाईवे पर एक लगभग 20 वर्षीय पीड़िता की मां द्वारा बाला फुसलाकर एक नामित आरोपी व उसके अन्य साथी द्वारा उनकी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया तथा प्रार्थना पत्र दिया। इस सूचना पर थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज पीड़िता अपनी मां के साथ स्वयं चलकर थाने आई और उसके द्वारा बताया गया उक्त नामित आरोपी व उसके अन्य साथियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। उसको बाला फुसलाकर गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग को उचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर साक्ष्य संकलन व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना हुई जी, मेरी बेटी 15 तारीख को सुबह सामान लेने गई थी अपने दूध वगैरह घर का, जो मैं ड्यूटी पे गया हुआ था सुबह। कौन से स्थान पर? ये तुलसीनगर की बात है सर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना यही पड़ता है सर, हाईवे। थाना हाईवे जी। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? बेटी को ले गए सर जी गाड़ी घोड़ी में डाल के, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो कौन ले गया था गाड़ी घोड़े में डालकर? हमें तो आज ही पता चला है, उस बेटी ने बताया जब साजिद था ये, उन्होंने नाम आपस में लिए होंगे तो तीन चार नाम मेरी बेटी को रट गए हैं। वो क्या नाम है तीन चारों के? एक का साजिद बताया, एक का श्यान बताया, एक का कन्हैया, पता नहीं ऐसे ही नाम है, मोमडन नाम है सर। मोमडन लड़के हैं, कहाँ के निवासी ये बताया? वो भूतेश्वर के हैं सर, उनकी टायर की दुकान वगैरह है अपनी। टायर की दुकान? जी हाँ। अब आपने पुलिस को तहरीर दी? पुलिस को उसी दिन दी थी, परसों कल दी थी साहब, हमने एफआईआर करवाई थी कल, जो कल ही एसआई साहब ने फिर वो बुलवाए थे वो फोन पे कि हमने अपहरण की रिपोर्ट लिख ली, यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। और चार हम तो यहीं बैठे रहे थे, हमको कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं था इन्होंने। वकील साहब ने बुलवाए, वकील साहब आए हमारे यहाँ पर, एएसआई साहब वहाँ जो हम तफ्तीश थे वो वहाँ बैठे हुए थे उनके पास होटल के अंदर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो साहब यूँ घड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई। तो कौन सा पुलिस वाला उनके साथ मिला हुआ है? और सर जी मिले हुए की तो हम कह नहीं सकते किसी की, लेकिन एक रिंकू सिपाही है, वो ज़्यादातर वहीं रहता है उनके पास है। मुसलमानों के पास, लड़कों के पास टच में? जी हाँ, रिंकू टच में रहता है उनके। हाँ टच में, मैंने देखा है कल सर होटल के अंदर था वो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।